हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड समझते हैं। तो क्या है एलिमिनेशन मेथड, इसे हम एक एग्जांपल से क्लियर कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 3x माइनस वाई इक्वल टू 23, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। दूसरी है x अपॉन 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 4, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है किस मेथड से बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से। तो जो इक्वेशन होनी चाहिए वो हमेशा याद रखिए कि इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि ये जो सेकंड इक्वेशन है इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ पर 12, तो ये कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4x और यहाँ आ जाएगा 3y इक्वल टू 4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। हालांकि इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एक ही है, वह दिखने में थोड़ा अलग है। अब हमने ये देखा इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 में ये केना माइनस वाई है, ये 3y है। तो हमें यहाँ करना क्या होता है कि कोफिशेंट को, हम इक्वेशन को नीचे लिखते हैं तो और क्लियर होगा, हम कोफिशेंट को बराबर करते हैं। तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे वाई का कोफिशेंट बराबर करना है तो हमें वाई के कोफिशेंट को बराबर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 23, एक सेकंड बच्चों, ये हमने लिख दिया है 23। अब देखिए इसमें 3y है और यहाँ केवल y है, तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो उससे क्या हो जाएगा, ये 9x आया, फिर ये 3y हो गया और ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये इक्वेशन नंबर 4। अब आपको इन दोनों इक्वेशन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हम इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐड क्यों करेंगे बच्चों, हम जरा इसको इसके नीचे लिख देते हैं तो और आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए हम ऐड क्यों कर रहे हैं, एक चीज़ रूल याद रखिए, हालांकि इनको रूल तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी, अगर अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा आप ऐड करें, और अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करें, ये आप याद रखिए। मतलब अगर सेम साइन हो, सेम साइन किसके, कोफिशिएंट के, कोफिशिएंट के, अगर सेम साइन कोफिशिएंट के हैं देन सब्ट्रैक्ट देम, सब्ट्रैक्ट देम। अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड देम, बस आपको ये छोटी सी बात याद रखनी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर इसका और इसका अपोजिट साइन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 13x, 17 ये आ गया और 6 5 11 ये हो गया। तो आगे आप जानते हैं x इक्वल टू 117 डिवाइडेड बाई 13, और देखिए क्या ये कटता है किसी टेबल से, तो 9 9 जा ये कटता है, तो ये कितना आ गया 9। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 9 आई। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप रख सकते हैं। तो इक्वेशन आपके पास पहले से थी, एक इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 23, तो हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 माइनस वाई इक्वल टू 23, तो ये हो जाएगा 27 माइनस वाई इज इक्वल टू 23
माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 27 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस 4 कैंसिल हो गया, दैट बिकम्स योर आंसर। तो इस तरह से 4 और 9 ये आपके दो आंसर आ गए। आई होप ये एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आया होगा। आइए और एक क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ से फिर हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 3 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू वाई प्लस 2, ठीक है। फिर एक लिखा है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3y। ये हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, तो इन्हें कहा जा रहा है इन्हें सॉल्व करिए। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इनको रखना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी? स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह की ax प्लस by इज इक्वल टू c, मतलब एक्स वाई के जो टर्म हो वो लेफ्ट हैंड साइड में हो और राइट साइड में नंबर्स हो। तो हम इस इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं। तो 3 माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। फिर हमने इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लिया, 5 3 ऐड हो गया x और ये हो गया y प्लस 2। फिर हम इसे लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू x प्लस y या x प्लस y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर दूसरी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए, तो दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2x 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3y। तो इसे लिख लेते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आ गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमें अप्लाई करना है वह एलिमिनेशन मेथड, और हम चाहे तो x को भी गायब कर सकते हैं या y को। तो हम यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 2 का। तो उससे क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो गया और ये 6 टू जो 12। अब आप गौर से देखिए, इसमें सेम साइन है दोनों का, इसलिए हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए सबट्रैक्ट में अपोजिट साइन पुट किया, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था, अब ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ सॉल्व होके आ जाएगा 3y और यहाँ सॉल्व होके आ जाएगा माइनस का 9, तो y इक्वल टू आ गया माइनस का 3। इस प्रकार से आपने y की वैल्यू कितनी, माइनस की 3। अब ये वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, तो हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू 3, तो लिखा x प्लस y इक्वल टू 6। तो x यहाँ जैसे y की जगह 3 रखेंगे, माइनस 3 तो माइनस 6 हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 9। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं बच्चों। देखिए माइनस 3 और y आपका आंसर आ गया, x और y का। तो एलिमिनेशन मेथड इट्स सो इजी, बस आपको बस ये छोटा सा ध्यान रखना है कि हम इन्हें किस तरह से एलिमिनेट करें। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर एक होता है तो वो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। जैसे एक हमने ये क्वेश्चन ले लिया और यहाँ लिखा 2y प्लस एक्स, बीच में माइनस है, और यहाँ है 5y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2। ये दो क्वेश्चन हैं हमारे पास, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो उसके लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो 4x लिखेंगे प्लस एक्स माइनस वाई बाई 8 इक्वल टू 17। यहाँ हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 32x, ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, ये ऐड हो जाएगा 33x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 56, 13, ठीक है 136 ही आ गया। ये इक्वेशन नंबर हमने इसको 3 कह दिया। अब दूसरी इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर लें इसी प्रकार। तो दूसरी जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हमने लिखना होगा यहाँ 2y प्लस एक्स माइनस 5y प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 2। इस पूरे में हम यहाँ 1 कर दें और ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 2। तो ये डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 6y हो गया, ये 3x हो गया, ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5y हो गया माइनस 2 हो गया।
फिर जैसा जो लाइकली टर्म्स उनको ऐड कर लीजिए, जैसे यहाँ हमने लिखा 3x, इसके साथ सॉल्व की हो जाएगा y, ये माइनस टू अपॉन में 3 इक्वल टू 2। और इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 3x हो गया, ये प्लस y हो गया, ये 6, और ये 2 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 8। तो एक इक्वेशन तो आपको ये बन गई, दैट इज 8। और एक हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 136। क्लियर? सॉरी, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो मल्टीप्लाई किया वो मल्टीप्लाई करके जो आपको रिजल्ट मिला वो आपके सामने आ गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि y और y को जब हम लोकेट करेंगे, इसको हम इक्वेशन ए और इसको हम इक्वेशन बी मान लेते हैं। अब जब हम y और y को लोकेट करेंगे तो आप जरा गौर से देखिए क्या होने वाला है। y y अपोजिट साइन, कोफिशेंट भी सेम है, अपोजिट साइन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 36x, और ये हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे, 144 आ जाएगा, 144। 136 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो 144, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आप सिंपली जानते हैं x इक्वल टू कितना जाएगा। अब ये x की जो वैल्यू है इसको किसी भी क्वेश्चन रख दीजिए, तो हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, एक क्वेश्चन रख दिया, तो ये 3x प्लस y इज इक्वल टू 8 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x की जगह 4 प्लस y इज इक्वल टू 8, एंड y इज इक्वल टू 8 माइनस 12, एंड दैट बिकम्स माइनस 4। तो एक 4 है और एक माइनस 4 है, इस तरह से ये दो आपके आंसर आ गए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, इनको जब आप बार बार लगाएंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।